हेलो एवरीवन, आज हम पजेसिव केस क्या होता है और इसके रूल्स करेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट वन करा था जिसमें नाउन का कॉन्सेप्ट और उसके इम्पॉर्टेंट रूल्स करे थे। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पार्ट वन देखिएगा जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आइए फ्रेंड्स समझते हैं पजेसिव केस क्या होता है और इसके रूल्स। पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस किसी चीज पर अधिकार बताने के काम आता है, अधिकार या उसकी ओनरशिप बताने के लिए काम आता है। आइए इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द गर्ल ड्रेस, इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलता। द गर्ल्स ड्रेस, इसमें क्या है? ड्रेस किसकी है? गर्ल की। इसमें ड्रेस का अधिकार किस पे है? गर्ल का। तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? ये पजेसिव केस है। जिस भी चीज पर अधिकार बताने के लिए का, के, की का प्रयोग किया जाता है वह पजेसिव केस होता है। द पजेसिव केस ऑफ अ नाउन शो ओनरशिप और एसोसिएशन। पजेसिव केस क्या बताता है? अधिकार और उसका ओनरशिप। पजेसिव केस को कैसे डिनोट किया जाता है? अपोस्ट्रॉफी एस। पजेसिव केस कब लगता है? नाउन के लास्ट में। पजेसिव केस इज फॉर्म व्हेन वी पुट अपोस्ट्रॉफी एस टू द नाउन। नाउन के एंड में क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रॉफी एस। तो वो कौन सा केस बन जाएगा? पजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय पेन, इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा। द बॉयज पेन, पेन किसका है? बॉय का। पेन का अधिकार किसका है? बॉय का। ऑनरशिप किसकी है? बॉय की। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पजेसिव केस। सभी के माइंड में डाउट चल रहा होगा कि अपोस्ट्रॉफी एस कब कब लगाया जाता है, तो आइए देखते हैं पजेसिव केस के इम्पोर्टेंट रूल्स। आइए देखते हैं रूल नंबर वन। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, नाउन सिंगुलर कब होगा? जब नाउन के लास्ट में एस, ई एस, आई एस ये सब नहीं लगेंगे तो वो वर्ड सिंगुलर नाउन होगा। तो उस केस में पजेसिव केस कैसे बनाएंगे? द पजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी टू द नाउन। उस नाउन के लास्ट में अपोस्ट्रॉफी लगा देना, वो पजेसिव केस बन जाएगा। आइए इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, रोहन कार, इसमें नाउन क्या है? रोहन है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि रोहन के लास्ट में ना ही तो एस आ रहा है, ना ही आई एस आ रहा है और ना ही ई एस आ रहा है। तो इस केस में इसका पजेसिव केस कैसे बनेगा? नाउन के लास्ट में अपोस्ट्रॉफी एस लगा, रोहन कार, ये रहा इसका पजेसिव। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन हाउस, इसमें नाउन क्या है? मोहन है। इसमें ये मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इसमें पजेसिव केस कैसे बनाएंगे? मोहन के लास्ट में अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो ये रहा मोहन्स हाउस। आइए देखते हैं रूल नंबर टू। व्हेन द नाउन इज प्लूरल, रूल नंबर वन में हमने सिंगुलर की बात करी थी, रूल नंबर टू में हम प्लूरल की बात करेंगे। उस केस में पजेसिव कैसे बनेगा? द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एंड अपोस्ट्रॉफी। इस केस में केवल अपोस्ट्रॉफी ही लगाते हैं, इसमें एस नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन खुद ही इसमें प्लूरल है, इसमें ऑलरेडी नाउन के साथ एस लगा हुआ होता है। आइए एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। गर्ल्स हॉस्टल, इसमें नाउन क्या है? गर्ल्स। ये ऑलरेडी प्लूरल है, आप सभी को दिख रहा होगा, इसके लास्ट में एस आ रहा है। इसका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे? केवल एस के लास्ट में अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, गर्ल्स ये रहा और इसमें हमने अपोस्ट्रॉफी लगा दिया, तो ये क्या बन गया? पजेसिव केस। सेकेंड एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, इसमें नाउन क्या है? स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है तो इसमें क्या लगाना है? केवल अपोस्ट्रॉफी, स्टूडेंट्स ये रहा, इसके बाद में हमने अपोस्ट्रॉफी लगा दिया, तो ये कौन सा केस बन गया? पजेसिव केस। रूल नंबर थ्री,
पजेसिव केस इज नॉट यूज्ड विथ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है हमने पार्ट वन में देखा। मटेरियल नाउन इज अ नॉन लिविंग थिंग लाइक ब्रिक, स्टोन, चेयर, ऑल दीज वर्ड्स आर मटेरियल नाउन। जब भी मटेरियल नाउन होगा तो उसके साथ पजेसिव केस, फॉर एग्जाम्पल अपोस्ट्रॉफी एस और अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स लाइक, इसमें मटेरियल नाउन क्या है? टेबल। टेबल के साथ कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस या अपोस्ट्रॉफी नहीं आता, बट इसमें तो गिवन है, तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा है? टेबल के लैग की। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? लैग ऑफ द टेबल, द सेंटेंस इज करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल ब्रिक्स ऑफ रेड सैंड, इसमें मटेरियल नाउन क्या है? ब्रिक, बट इसमें भी अपोस्ट्रॉफी एस दे रखा है, तो ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ये ब्रिक किससे की बनी हुई है? रेड सैंड की, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? रेड सैंड ऑफ ब्रिक, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर फोर, यही रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छी तरह समझिएगा। When a noun or a title consists of several words, जब भी कोई noun या कोई title दो या तीन वर्ड से बनेंगे तो उस केस में पजेसिव केस कैसे बनेगा? The possessive case is formed by adding apostrophe s to the last word of title. Title का जो last word होगा उसमें apostrophe s लगा देंगे, वो possessive case बन जाएगा। इसको example के थ्रू समझते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, इसमें टाइटल क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये टाइटल किसे मिला था वैसे? नरेंद्र मोदी। तो इसमें अपना रूल क्या बोलता है कि टाइटल का जो लास्ट वर्ड होगा उसमें आपको अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। टाइटल का लास्ट वर्ड क्या है? इंडिया। इंडिया में क्या लगाना है अपन को? अपोस्ट्रॉफी एस, और ये क्या बन जाएगा? पजेसिव केस। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रॉफी एस इंडिया में, तो ये हमारा क्या बन गया? पजेसिव केस। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। द किंग ऑफ भूटान विजिट टू इंडिया, इसमें टाइटल क्या है? द किंग ऑफ भूटान। किसी के माइंड में डाउट आ रहा होगा, पहले वाले एग्जाम्पल में तो इंडिया में एस लगा अपोस्ट्रॉफी एस, और इस वाले में इंडिया टाइटल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि जो किंग है भूटान का वो इंडिया जा रहा है, तो इसमें कौन जा रहा है? किंग ऑफ भूटान, तो टाइटल क्या हो गया? किंग ऑफ भूटान। इसमें रूल के अकॉर्डिंग लास्ट वर्ड कौन सा है टाइटल का? भूटान। भूटान के लास्ट में क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रॉफी एस, और ये क्या बन जाएगा? पजेसिव केस। द किंग ऑफ भूटान, हमने अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, और ये कौन सा केस बन गया? पजेसिव केस। रूल नंबर फाइव, व्हेन द टू नाउन आर जॉइंड बाय कॉमा और एंड, जब भी दो नाउन या तो कॉमा या एंड से ज्वाइन किया जाए तो उस केस में पजेसिव केस कैसे बनेगा? बाय एडिंग एन अपोस्ट्रॉफी एस टू द सेकेंड नाउन, जो भी सेकेंड नाउन होगी उसके बाद में अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, वो पजेसिव केस बन जाए। आइए एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। सीमा कॉमा रवि, मदर इज अ गुड वर्कर। रूल क्या था? जब भी दो नाउन अगर कॉमा या एंड से ज्वाइन किया जाए तो सेकेंड नाउन के लास्ट में अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। इसमें दो नाउन कौन है? सीमा और रवि, इनको किससे ज्वाइन किया गया है? कॉमा से, तो इसमें क्या पजेसिव केस कैसे बनेगा? रवि के लास्ट में क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि ये रूल नंबर फाइव बोलता है। सीमा रवीज लगा दिया हमने अपोस्ट्रॉफी एस, मदर इज अ गुड वर्कर, तो ये कौन सा केस बन गया? पजेसिव केस। एग्जांपल टू, अमर एंड कुमार हाउस इज रियली ब्यूटीफुल, इसमें नाउन क्या है? अमर एंड कुमार, और ये किससे ज्वाइन किए गए हैं? एंड से, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? सेकेंड नाउन में वर्ड के लास्ट में क्या लगेगा? अपोस्ट्रॉफी एस,
तो इसमें सेकेंड नाउन कौन सी है? कुमार। कुमार के लास्ट में क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रॉफी एस। तो अपना पजेसिव केस क्या बनेगा इसका? अमर एंड कुमार्स हाउस इज रियली ब्यूटिफुल। तो ये थे हमारे पजेसिव केस के कुछ रूल्स। आप इन्हें वीकली रिवाइज कीजिएगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।